सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आप हमने कल किए थे परिफिक्स शब्द और आज करेंगे सफिक्स। व्हाट इज सफिक्स? जैसे हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं, उसी प्रकार अंग्रेजी विषय में परिफिक्स और सफिक्स होते हैं। व्हाट इज सफिक्स? सफिक्स इज अ लेटर इज आर अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट इज यूजुअली एडेड ऑन टू एंड ऑफ वर्ड्स टू चेंज इनटू ए न्यू वर्ड। यानी सफिक्स क्या होता है? सफिक्स एक ऐसा अक्षर होता है या अक्षरों का समूह होता है जो प्राय किसी भी शब्द के या शब्दों के अंत में जोड़ दिया जाता है, जिसे क्या होता है, उस शब्द का नया शब्द बन जाता है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए क्या है, बॉय के साथ हमने एस लगा दिया, बॉयस। या काइंड के साथ क्या लगाया, एम ई डबल एस नेस, काइंडनेस बन गया। पहला रूल क्या है इसका, व्हेन द सफिक्स फुल इज एडेड अ वर्ड न्यू वन एल। जैसे किसी भी शब्द के अंत में यदि फुल एन डबल एल लगा हो तो जब हम उसके साथ हम सफिक्स करते हैं, अंत में जोड़ते हैं, तो वो सिंगल एल रह जाएगा। जैसे फेथफुल है, देखिए फेथफुल, फेथ के साथ फेथफुल जोड़ा है, क्या बोले फेथफुल, यानी क्या हो गया है, सिंगल एल हो गया। उसी हाउस जमान फुल लगाया, क्या हो गया है, हाउसफुल, यानी ये क्या हो गया है, सिंगल एल हो गया है, हाउसफुल। उसी प्रकार हैंड जमा में हैंडफुल, यानी क्या बात बन गया बाद में, हैंडफुल यानी सिंगल एल रह गया। रूल नंबर सेकंड, व्हेन द साउंड वाउल को प्लस कंसोनेंट द लास्ट लेटर विल बी डबल। यानी जब किसी शब्द के वाउल और कंसोनेंट यानी कि स्वर और व्यंजन की आवाज आती है तो अंतिम अक्षर डबल हो जाएगा। जैसे परमिटेड, PERMITTE बन गया है। स्विमिंग, SWIMMI बन गया है। बिगिनिंग, BEGINNING बिगिनिंग। तो प्यारे बच्चों, आपने सफिक्स और परिफिक्स के जो नियम है, रूल है, उनको याद करना। पहले याद करने, जब आपके वो रूल हैं, नियम हैं याद हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पर सफिक्स जो वर्ड हैं आप बड़ी आसानी से बना लेंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे इन शब्दों को या रूल को अवश्य याद करें और अपनी कॉपी में लिखें और मैं नंबर पर भेजें। धन्यवाद।